दोस्तों नोएडा में बाइक बूट जैसी धोखाधड़ी दोबारा हुई है। 11,000 निवेशकों से ठगी करने वाली कंपनी के 8 शेयर होल्डर पर केस दर्ज किया गया है। जानते हैं इस न्यूज को कि उत्तर प्रदेश के नोएडा बाइक बूट फर्जीवाड़े की तरह 11,000 निवेशकों से ठगी करने वाली GSBNC टूरिज्म लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सहित 8 शेयर होल्डर पर केस दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एक निवेशक ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया है। कासना कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस न्यूज़ के अनुसार दोस्तों 52,500 देकर हर महीने 10,000 रुपये देने का वादा किया गया था। गिरोह के कैलाशपुर निवासी निवेशक शौकीन खान ने GSBNC कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश भाटी निवासी डाढ़ा, डायरेक्टर अरुण लोहिया निवासी यूनिटेक थर्ड JP ग्रीन्स, शेयर होल्डर करमवीर नागर निवासी रोजा जलालपुर, शेयर होल्डर सूरवीर निवासी आमिक्रान फर्स्ट और प्रीत लोहिया एडवोकेट जितेंद्र समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी के पदाधिकारियों ने टैक्सी चलाने के नाम पर 52,500 रुपये जमा कराने की स्कीम बताई और इसके बदले में 10,250 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। इसका एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कंपनी के कर्मचारियों ने किया। इसके अलावा संजय सिंह, साजिद अली और खन्ना समेत 11,000 लोगों ने निवेश किया था। 4 और 5 महीने तक पैसा लगाने के बाद कोई पैसा नहीं दिया गया। पैसे मांगने पर परिवार सहित मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि अगस्त 2020 में कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने उन्हें ऑफिस बुलाया था। जब वहां रुपए मांगने के लिए ऑफिस पहुंचे तो आरोपी ने हाथों में लाठी डंडे थे उनके हाथों में और जब उन्होंने पैसे मांगे तो आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित कोतवाली में की। जब वहाँ रुपए मांगने के लिए ऑफिस पहुँचे तो आरोपियों के हाथों में लाठी डंडे थे। जब उन्होंने पैसे मांगे तो आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मांगने की धमकी दी। इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित कोतवाली में की लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके चलते वहाँ कोर्ट गए आरोपी के खिलाफ जिला अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। काशनाथ कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। तो दोस्तों एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है फ्रॉड की, जिसमें कि लगभग 11,000 निवेशकों को इसका शिकार बनाया गया है और बाइक बोट की तर्ज पे ही ये धोखा हुआ। और इसके जो डायरेक्टर हैं दोस्तों उनका नाम भी महेश भाटी है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो इसके थे GSBNC कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश भट्ट इसके डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों इस तरह की फ्रॉड कंपनी से दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि हमारा इतनी मेहनत से कमा हुआ पैसा है, लोग डकार जाते हैं और निवेशकों को दर दर भटकना पड़ता है। हम थोड़े से पैसे के लालच में अपनी पूरी पूंजी को इसमें झोंक देते हैं और लास्ट में हमें दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए चैनल में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।